दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो 100% एक्यूरेसी के बारे में अगर आपको बताऊँ मैं यहाँ पे, तो ये जो मेरा ग्रुप है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो उसके अंदर मैंने फ्यूचर की स्ट्राइक के प्रीमियम को एडवांस ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि 43,500 की पुट 13 जुलाई की 157 का लो, थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ तो 157-159 का लो यहाँ पे दिखाई दिया, 170 का यहाँ पे हाई दिया, 170-172 का इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद में वापिस से डिमांड है और इसका जो लोअर है वो 139 का लोअर है बराबर। तो यहाँ पर जो चार्ट ड्राइंग करके मैंने मेरे ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है ना, तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर एक चीज़ अभी सर बताई दोस्तों कि किसी ने भी है ना भावनाओं में बढ़कर कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी है यहाँ पर। ये देखने के बाद में ये लेने का वक्त अभी नहीं आया है, और ये लेने का वक्त नहीं आया और भावना में बढ़कर कोई भी बंदा मान लो बोलता है कि मैं ये बाय करूँ वो बाय करूँ, तो मैं सीधा सीधा मना करता हूँ। मैंने कहा था आज जो भी एंट्री लेगा वो ट्रैप होगा। पुट की एसएल बाकी, यहाँ पर साफ साफ 9/29 को मैंने लिखा है पुट की एसएल बाकी। तो अब होगा क्या मार्केट के अंदर, तो मैं यहाँ पर है ना एक फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको पेपर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस एप्लीकेशन में जाके आप सर्च करो पहले के मार्केट का संतुलन क्या बनने वाला है, यानी 44,400 जी को स्ट्राइक है वो 4 बार टॉप देने वाली है, यानी 27 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर या 33 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो 4 बार एसएल खाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं इधर देख लेता हूँ, अभी ये देख लो यहाँ से वापिस ही हुआ, ये फिबोनाची का लेवल था और फिबोनाची से वापिस ही हुआ, यानी 139 का जो लेवल होता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 44,400 का जो सी है और वो भी मैं बाय करूंगा 13 जुलाई का, मैं बाय करने वाला हूँ, मैं स्पॉट एक्सपायरी नहीं लेने वाला हूँ। इतना मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो मैं स्पॉट एक्सपायरी लेता हूँ ना या अगले एक्सपायरी भी लेता हूँ ना, तो मुझे है ना इसका लोअर देखने मिलेगा, और इसका लोअर जो है 312 का लोअर है इसका, पहली बात। तो 312 के लोअर के बाद में डिमांड जोन है, और डिमांड सुन के बाद भी इसका जो टारगेट है 356 का टारगेट है। तो इस तरह से मार्केट मैनिपुलेट होता है, एकदम से मार्केट मैनिपुलेट नहीं होता है। 356-386 का इसका रेजिस्टेंस है, और ये जो स्ट्राइक दिखा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, इसका जो लोअर है ना 139 का लोअर अभी बाकी है, और 136-135 का भी लोअर बाकी है। तब तक डिमांड रहेगी मार्केट के अंदर, लेकिन जैसे ये बाइंग होती है लोग इमोशनली बाइंग में डबल टॉप के लिए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये एजुकेशन पर्पज होती है, तो सपोर्ट रजिशन बनाने का अच्छा काम है, तो ये करेंगे। तो 157 पे यहाँ पे लोअर दिया, 44,385 पे यहाँ पे ओपन हुआ है, 44,385 पे अगर ओपन हो जाता है मार्केट, तो सीधी सीधी एक चीज़ है कि उसे तो एसएल खाने में भैया मजा आने वाली है। तो मैं थोड़ा उल्टे चार्ट के अंदर आपको लेके आता हूँ, रिवर्स चार्ट के अंदर लेके आता हूँ मैं, चलो उल्टे चार्ट में लेके आता हूँ मैं आपको, और यहाँ पर हम लोग पुट के टारगेट देखते हैं बराबर के, पुट ने क्या क्या किया था। तो पुट ने भी वैसे ही किया, पुट ने भी यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गए, और ये जो है 43,300, ये 685 को समझ लो 383 है, समझ लो ये 685 को समझ लो कि 386 है, तो 386 जो है ना तो उसके ऊपर भी मार्केट गया है, ये रहा प्रमाण, ये रहा प्रमाण। तो 3-5, 3 भी आया 5 भी आया यहाँ पे, और 3 भी आए थे 353-386, तो मैं यहाँ लिखूंगा 43,386। तो इसलिए मैंने बताया कि 43,386, तो ये 386 पे, 44,386 सॉरी, यहाँ पे मुझे गलती हो गई मुझसे, तो 44,386 बराबर, तो 44,386, 44,386 या 46 पे 386 समझ लो ओपन हुआ या 56 ओपन हुआ समझ लो। तो मैंने क्या कहा कि जो अगली एक्सपायरी है यानी नेक्स्ट एक्सपायरी है, ये आने वाली एक्सपायरी जो 6 जुलाई है, तो वो क्या करेगी, सपोर्ट रिट्रेस करने के लिए नीचे आएगी, यानी 44,120 पे जो चल रहा है ना यहाँ पे, तो 44,120 यानी ये ऊपर देख लो 43,518, 18 का मतलब वो आ गया, 43 पीछे की डिजिट देख लो 181, तो 44,121, तो 44,121 यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन कौन सा है भैया,
तो 6 9 54, तो 450, तो भैया वही चीज वही तो 43 44 हजार 450 का तो रजिस्ट्रेशन बन रहा है यहाँ पर। ये सब कैलकुलेशन करने आना चाहिए, और कैलकुलेशन से ही मार्केट आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिना कैलकुलेशन मार्केट आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 43,520.50 आपकी 45 आता है, तो उसका मतलब ये हुआ 450 डिग्री के अंदर 44,450 का यहाँ पर रजिस्टेंस है, बराबर। तो ये होता है फिबोनाची का लेवल, और फिबोनाची के लेवल में इस तरह हर सप्लाई जोन पे नई डिमांड जोन बनती है। अब ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, वापस नीचे लाया, वापस ऊपर हुआ, 44,450 जाना है, लेकिन ऐसे भी तो खानी है ना, यहाँ पे ऐसे भी तो खानी है ना। इसलिए मैंने उस स्ट्राइक के अंदर ये बताया कि मेरा जो प्रीमियम है वो 315 का प्रीमियम है, तो 315 का प्रीमियम 333 से मैंने बाय किया, 286 को भी प्रीमियम हो जा सकता है अगर डेल्टा हैवी होता तो। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कि आप सेटलमेंट कर सकते हो और एवरेज बना सकते हो, आप सेटलमेंट भी कर सकते हो एवरेज भी बना सकते हो। तो इस तरह से मार्केट मैनिपुलेट होता है, बराबर। तो पहले तो एसएल खाएगा, उसके बाद में सपोर्ट को तोड़ेगा, पहले एसएल खाएगा उसके बाद में सपोर्ट को तोड़ेगा, और 43,800 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज का। 43,800 का जो है वो जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज का, यानी वहां तक तो भैया मार्केट गिरना ही है। तो इस तरह से अब देख लो, मैं आता हूँ मेरे इसके अंदर आता हूँ। मैंने कहा था जैसे कि मैं जैसे एंट्री लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉस देखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है, मैंने एसएल बोली थी ना कि एसएल खाने आएगा, बिकॉज कि ये अगली एक्सपायरी है, 7 जुलाई की एक्सपायरी है यहाँ पे, तो ये एसएल खाएगा। 312 तक की इसकी एसएल है, 312 तक की इसकी एसएल है, वो खाने आएगा। लेकिन वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 13 जुलाई की एक्सपायरी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मुनाफा मिलने वाला है, हमें इसके अंदर 386 का मुनाफा मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें चार्ट में बताई, यहाँ पर लॉस चल रहा है फिलहाल ये भी बताया, लेकिन मैंने जो रजिस्टर बताया आपको, और 44,450 वो सीधा सीधा कभी ऊपर नहीं आएगा। ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल, तो ये कैंडल है ना जो इसका सेटलमेंट है, समझ लो 43,920 का यहाँ पे सेटल है, तो 43,920 तो आना रहा है यहाँ पे, ये 43,100 के करीब जैसे आएगा ना वैसे ही डिमांड इसके आने वाली है। अभी देख लो कहाँ चल रहा है, 44,121 पे चल रहा है, देख लो आप कहाँ पे चल रहा है, 44,120 पे चल रहा है। डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर, कोई कोई भी ऐसे अचानक अचानक सपोर्ट नहीं टूट जाते हैं यहाँ पे। ये देख लो वही चीज बनाई यहाँ पे, ये जो एक एक चार चार जो लिखा है ना, यानी ये जो है ना, ये पूरा ये डिमांड जोन है, ये देख लो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे 44,105। 44,105 जैसे आता है ना, तो वैसे फटाक देखे वहां से बाइंग आती है इस जोन से, यानी ये सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट टूटने के बाद में और एक कैंडल यहाँ पे लाई, और इस कैंडल के बाद में वापिस से एक डिमांड आई, और डिमांड जाने के बाद में यहाँ पे वापिस से एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल बनी ना। अब ये पूरा डिमांड जोन है, तो ये कॉल ले रहे, कॉल को ले रहे, लेकिन मान लो कोई पुट बायर है, और पुट बायर बेचारा यहाँ पे पुट को बाय करता है, पर यहाँ पे निकलता नहीं है, पुट बायर जो है ना यहाँ पे निकलता नहीं है, यानी ये जो जोन है उसको, उसकी प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, पुट की प्रॉफिट बुकिंग का जोन ये वाला जोन है, पर अगर यहाँ पे निकलता नहीं है वो बंदा, बराबर, तो ट्रैप में आ जाएगा, बिकॉज कि ये एक डिमांड जोन है। ये क्या है फिलहाल, डिमांड जोन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तो भैया ओवरबॉट का सफर बाकी है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके एक नई एंट्री लेनी है, और नई एंट्री के बाद में आपने वापिस ये जो रेड कैंडल बनी, इसके बाजू में दूसरी इस तरह से खंबे बनने वाले, एक खंबा, दो खंबा, तीन खंबा, चार खंबा, पांच खंबा, छह खंबा, तो ऐसे खंबे, यानी ये डोजी कैंडल का यहाँ पे माप तो दिखा रहा है, 44,233 को है ना इसने डोजी कैंडल बनाई, बराबर। तो ये प्रमाण यहाँ पे मिलता है, तो मैंने जो लोअर दिया है ना, तो लोअर पे ध्यान दे पहले तो, कि 44,500 का जो पुट है, वही 16 का पुट है, उसका लोअर जो है ना 139 से लेके 135 का लोअर है, बस लोअर पे ध्यान दो, पैसा बनेगा इसके अंदर। और ये जो पुट है मान लो, तो पुट कहाँ तक की चल रही है, चलो वो भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो 44,000 में यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने जो कॉल दिया है यहाँ पर, ये लॉस दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 44,000 और यहाँ पे 500 की जो पुट है, बराबर, 44,500 की जो पुट है, और पुट तो बहुत लॉन्ग की जो तो आने वाली नहीं पहली बात, तो वो जो पुट है ना यहाँ पे, तो वो पुट है यहाँ पे 13 जुलाई की पुट है, बराबर 13 जुलाई की यहाँ पे पुट है, तो वो देख लो कहाँ पे गई है, वो 587 पे गई है 13 जुलाई की, 13 जुलाई की यहाँ भी 587, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे देखना पड़ेगा कि 43,000 जो मैंने पुट दी थी
13 जुलाई वाली 43,500 की पुट मैंने दी थी, तो 179 पे गई है ये, 179 पे। तो ये जो है ना पुट, ये 185 का इसने हिट दिया है। अब इसके बाजू में वापिस डिमांड जोन है, कहने का मतलब 185 का 43,500 के पुट, 185 का इसने टारगेट दिया अभी अभी, और वापिस से डिमांड जोन में आ रही है। तो इस तरह से मार्केट मैनिपुलेट होता है। तो ये जो लॉस है ना, ये लॉस देखकर डरे नहीं, बिकॉज कि मैंने खुद ने बताया था कि यहाँ पर भैया है ना एसएल जाने वाली है, एसएल यहाँ पे जाने वाली है। डबल बॉटम का जो टारगेट है इसका, तो समझ लो 190 यानी 43,500 की जो पुट है वो 190 195 तक के दूसरे टारगेट, लेकिन मुड़ में आखिर में तो है डिमांड जोन। तो 297 जैसे आएगा मार्केट, ये 297 से वापस डिमांड आएगी। यानी फिलहाल भी अगर कोई खरीदी करता है, अगर मान लो ये रिटेल जो सेलर्स है, सेलर्स अगर खरीदी करते हैं यहाँ पे और लॉस खुद देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लॉस नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे सेलर्स खुद देख रहे हैं लॉस, तो 295 से लेके वापस डिमांड आएगी। यानी यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने वाली है, तो 44,400 की जो कॉल है ना उस पर मैं बैठ जाऊंगा। देख लो 44,400 की जो कॉल है, अब मैं आऊंगा 6 जुलाई की कॉल पे बैठने वाला हूँ बराबर। और यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है, 1,000 क्वांटिटी अगर आती है तो मैं देख लेता हूँ, आती है तो ले लेता हूँ बराबर। तो ये मैंने ले ली, अब देख लो इसके अंदर प्लस आएगा सीधा। ये जो 182 पे आई ना, इसके अंदर आपको प्लस दिखाई देगा, कुछ देर के अंदर ही प्लस आने वाला है, बिकॉज कि ये जो है ना 185 से लेकर 190 का इसका रजिस्टेंस है, और एसएल भी है ना सामने। जैसे पुट में किसी ने इमोशनली एंट्री बाई की है, तो उसकी एसएल तो 190 पे हिट होने वाली है। फिलहाल चाहे भले नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर में ये सीधा 189 का इसका बाइंग जोन है। तो ये दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं, जैसे 301 वाला सेटलमेंट करता है, वो 297 का इसका लो बाकी है, 44,400 का जो लो है 297 का लो बाकी है, लेकिन बाद में एकदम से 189 का रजिस्टेंस भी यहाँ पे देने वाला है। जिसे कहते हैं कि एकदम से बाइंग आ जाना और एसएल खा जाना, पुट वालों की, नए नए एंट्री लेने वाले लेते हैं ना, तो उनकी एसएल भी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर आपने आफ्टर ऑल ये देखा है, और इसके जो टारगेट है मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये 191 से लेके वापिस से 145 का इसका टारगेट, इसका लोअर है, 145 का इसका लोअर बाकी है। किसका लोअर बाकी है? 44,400 का, 400 सी का जो हाई है ना वो 222 तक के इसका हाई है, और ये पूरा जगह पूरा जो लॉस चल रहा है ना पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर ये मान लो वीडियो खत्म हो रहा है और ये लॉस देखने के बाद में अगर प्रॉफिट मिला, अगर मान लो मैं पुट लेकर खड़ा रहता हूँ मार्केट के अंदर मॉर्निंग के टाइम में, पुट लेकर मैं खड़ा रहा और पुट के अंदर मुझे 17, 18, 19 हज़ार मुझे मिला और मैंने बुक नहीं किया, तो ये 17, 18, 19 हज़ार जो मुझे लॉस, अभी मैं प्रॉफिट अगर बुक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 40 से 50 हज़ार लॉस देखना पड़ेगा। कितना? 40 से 50 हज़ार मुझे लॉस देखना पड़ेगा, बिकॉज के मार्केट ट्रिपल टॉप में जब ऊपर आता है ना तो अच्छी अच्छी की धज्जियाँ उड़ जाती है वहाँ पर। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को मैं अपलोड करने के बाद में आपने देखना कुछ नहीं है, 44,400 की स्ट्राइक जो है ना वो 220 का टारगेट, और 44,400 की सी की जो स्ट्राइक है वो 386 का टारगेट यहाँ पे मेरे निकल के आ रहा है। तो इस टारगेट पर आप काम करो, और अच्छे खासे अगर मान लो टारगेट मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके लिखो, सही है 386 का टारगेट 44,400 ने दिया था, और 222 प्लस 44,400 ने भी टारगेट दिया था, मुझे सिर्फ बताना है और कुछ नहीं करना है। आशा रखता हूँ ये वीडियो में अपलोड करने के बाद मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या मैंने ये वीडियो बनाने के टाइम पे जो लॉस देखा हुआ, और जो लोग और प्रॉफिट होगा पुट के अंदर ये सोचकर खड़े रहे, तो वो ट्रैप में आए या मैं ट्रैप में आया। तो थैंक यू दुनिया, शुक्रिया आभार। 13 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो के पीछे मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर रजिस्टेंस मेरे 386 के हिट हुए होंगे, और ये जो रजिस्टेंस है 44,400 का जो चार टॉप वाला रजिस्टेंस है वो 222 का हिट हुआ होगा। तो ये देखने के लिए आपको दूसरी वीडियो को देखना पड़ेगा, और ये जो पूरा का पूरा वापस प्रॉफिट में आ रहा है, देख लो धीरे 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 22-25 हज़ार का लॉस चल रहा है। मैंने बोला 189 का जो हाई है तो 189 पर वापस आ गया है, तो इसलिए मैंने बताया कि भैया जो प्रॉफिट है ना वो सोच समझ कर आपको ट्रेड करना चाहिए। 189 का यहाँ पे हिट हो रहा है, यहाँ पे वापस बाइंग आ रही है, देख लो, और कोई लॉस है ही नहीं पहली बात थी इसके अंदर। अगर मान लो 2 से 5 मिनट या 7-8 मिनट भी अगर मैं वीडियो शुरू रखता हूँ ना, तो मुझे इस चीज में कोई लॉस नहीं। हाँ लॉस किसको है कि जो इमोशनली जो लोग पुट का बाय करके बैठे, जिन्होंने पुट बाय किया है उनको लॉस है, मुझे लॉस नहीं है यहाँ पे। ये मेरा जो एजुकेशन पर्पज वीडियो है, 185 पे आ गया, 189 का इसका रजिस्टेंस मैंने बताया था, 205 जो इसका टारगेट है, इसका टारगेट, लेकिन वो कंसोलिडेशन जोन के आसपास है, समझ लो साइड वे के अंदर आपको 205 का टारगेट मिला, 195 के बाद में भी। तो
तो कहने का मतलब कि आप सूझबूझ से अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन एकदम से पुट लेके बैठ गए और पूरा दिन इंतजार किया कि यार 44,800 तो विजय सर ने बोला हुआ है टारगेट देगा, तो इस तरह टारगेट नहीं देगा, वो टुकड़ों में टारगेट देगा। कहाँ पे टारगेट देगा? वो टुकड़ों में टारगेट देगा। तो फिलहाल तो जिस तरह से मेरा ट्रेड सेटअप है भैया, कि भाई 100 ने जो पुट चल रही थी, तो पुट में यानी 43,500 की पुट, 43,500 की पुट ने 190 का हाई दिया है यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं है कि टारगेट हिट नहीं हो रहे, ये जो पुट है ना यहाँ पर डिमांड जोन जो बनाई है ना, तो 190 का यहाँ पे फिलहाल अभी टारगेट दिया है। तो मुझे पता था कि ये पुट होने वाली है, फिर भी मैं पुट में एंट्री नहीं बना के मैं कॉल में खड़ा हूँ। आप सोचो पहली बात, और कॉल में जो SL खाने के लिए आएगा ना पुट वालों की, तो ये जो चैनल मैंने 184 की बनाई है, तो मेरी चैनल यहाँ तक बनने वाली है, बिकॉज के 122 बिकॉज के पुट के सारे प्रीमियम उड़ के करने वाला है। अगर मान ले घोड़ी पे सवार हो ही गया है ना, तो ये बार बार अपने वर्कशॉप पे वापिस जाएगा, ये नए नए स्टॉप लेके बार बार वर्कशॉप पे वापिस जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। और देख लो क्या हुआ, वो प्रॉफिट भी चल रहा है यहाँ पे, कोई लॉस है ही नहीं। 10,000 का लॉस जो 25,000 का लॉस था, वो सारा का सारा लॉस मेरा प्रॉफिट में यहाँ पे 185 का जो मैंने रजिस्ट्रेशन बोला था, 179 के एसएल के बाद में, तो वहाँ पे भी उसके करीब आ रहा है। देख लो 178, 187 आ गया और 180। तो करना कुछ नहीं है, सीख कर ट्रेडिंग करें, समझ कर ट्रेडिंग करें। डिमांड जोन सप्लाई जोन नए नए सपोर्ट बनते रहेंगे मार्केट में, 2 बार सपोर्ट नया बनेगा, 176 का जो लो इसका है, 175 का इसका लो है, डबल बॉटम का लो है। और डबल बॉटम के लो के बाद में मार्केट देखो 190 पर भी आ गया। कहाँ पे लॉस है यहाँ पे देखो, 25,000 का लॉस के बाद में ये पेपर ट्रेडिंग के अंदर पूरा का पूरा ट्रेड सही जा रहा है मेरा, 191 पे भी आ गया, तो कोई लॉस है ही नहीं। ये लोग सेटलमेंट करते हैं यहाँ पर, मेरा टारगेट है 385 का, बराबर 355 से लेकर 385 का इसका टारगेट भी, बिकॉज के वो जो लोअर है ना वो आया नहीं है यहाँ पे, लोअर आया नहीं है। आप अगर मान लो कि 43,500 की स्ट्राइक बैठे हो, बराबर 43,500 की स्ट्राइक पे आप बैठे हो और अभी से बाय कर रहे हो, तो ये 384 का ये टारगेट हिट हो जाएगा। इनका दिमाग है ना बहुत उल्टा दिमाग है, समझ लो। और ये जो है ना, ये टारगेट आपका 232 पे हिट होने वाला है, 232, 235, 245 पे ये टारगेट होगा। तो 245 का यहाँ पे टारगेट लगा था, तो ये लॉन्ग टारगेट मैंने यहाँ पे लगाया है, और ये इसलिए लगाया है बिकॉज के मार्केट शॉर्ट कवरिंग, जब मार्केट नॉर्मल होता है ना, मार्केट जब नॉर्मल होता है ना, तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग करता है। देख लो पूरा डेटा प्लस में आ गया यहाँ पे, 193, 320 यहाँ पे वापिस आ गया डेटा पूरा का पूरा, तो कोई लॉस था ही नहीं पहली बात तो। तो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो लोग पुट को होल्ड करेंगे ना, उन लोगों को लॉस होने वाला है। तो टारगेट मेरे लॉन्ग, अगर मेरे टारगेट हिट हो जाते हैं, तो इस वीडियो के बाद में आपने करना कुछ नहीं है, इस वीडियो एंड होने के बाद में मुझे बताना है कि क्या 386 रुपये का टारगेट हिट हुआ था, और क्या 245 और 255 का टारगेट हिट हुआ था। ये अगर हिट हो जाता है, तो मेरा जो एजुकेशन है वो 100% सही जा रहा है। तो 18 मिनट की वीडियो है, मैं ओवर करता हूँ। यहाँ पर मेरा ट्रेड आफ्टर ऑल प्रॉफिट में आ रहा है, 25,000 लॉस के बाद में और प्रॉफिट में ही जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।